हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास MSI ऐप प्लेयर में BGMI डाउनलोड स्टक हो रहा है तो इसकी प्रॉब्लम को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है MSI ऐप प्लेयर। आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर ऐप प्लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऐप प्लेयर यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, MSI ऐप प्लेयर यहाँ पर ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर अवार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर चेक फॉर अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास MSI ऐप प्लेयर लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपके पास यहाँ पर अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको अपडेट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स को चेंज कर देना है। जैसे कि अगर आपका PC हाई कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप जो है यहाँ पर हाई कॉन्फ़िगरेशन को जो है सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से हाई परफॉर्मेंस भी सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ग्राफिक्स में आना है और यहाँ पर परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है और ओपन जेल सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास यहाँ पर ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जो है परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर ग्राफिक रेंडर में जो है डायरेक्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो है ये सेटिंग को आपको सेव कर देना है। यहाँ पर सेव चेंज के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप इसको जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ब्लू स्टॉक का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको आपका ग्राफिक कार्ड शो हो जाएगा। सेलेक्ट कर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर MSI ऐप प्लेयर को भी जो है इसकी सेटिंग में जो है हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है। फिर आप जो है इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है MSI ऐप प्लेयर। फिर आपको इसको राइट क्लिक कर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर MSI ऐप प्लेयर शो हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है। फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इस बॉक्स में आपको चेक करना है रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ये बॉक्स में भी आप चेक कीजिए, रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो है एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको फिर से विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है। फिर आप यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, तो आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए, ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज करना है। फिर आप अपने PC को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।